नमस्कार दोस्तों, कैफे रोजे में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर और प्याज की बहुत ही चटपटी और टेस्टी चटनी। तो आइए देख लेते हैं इसकी सामग्री। दो टमाटर है, इसको हम बारीक काट लिए हैं। 10 दाना लहसुन है, इसको भी हम छील के ले लिए हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। 4 ये सूखी वाली लाल मिर्च है और 2 प्याज, इसको भी हम बारीक काट लिए हैं। एक चम्मच चीनी है, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग, ये सूखी हम ले लिए कड़ी पत्ता, सूखी कड़ी पत्ता है। तड़का के लिए जीरा और काला वाला सरसों, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार। गैस पर एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम सरसों का तेल करीब 2 चम्मच डालेंगे। 2 ही चम्मच डालना है छोटे चम्मच से, ये देखिए। इसको गरम कर लेते हैं, तेल गरम हो गया। अब इसमें हम हींग डाल देते हैं चुटकी भर। अब ये जो तड़का के लिए रखे हैं इसको भी डाल देते हैं। कच्चा करी पत्ता बहुत ऊपर उछलता है। अब इसमें लाल सूखी मिर्च, लहसुन भी डाल देते हैं, अदरक, थोड़ा सा प्याज फ्राई हो जाएगा तब उसमें टमाटर भी डाल देंगे। प्याज फ्राई हो गया है, इसमें हम टमाटर भी डाल देते हैं। एक चम्मच नमक डाल दें, सबको हम ढक के 5 मिनट पका लेते हैं। प्याज टमाटर एकदम गल गया है, अब इसमें हम आमचूर पाउडर डाल देते हैं। 1 चम्मच विनेगर सिरका उजला वाला, 1 चम्मच चीनी, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर लाने के लिए। ये खट्टा मीठा चटकदार चटनी बनेगा। हम गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडा करके मिक्सी जार में पीस लेते हैं। देखिए चटनी को हम इस तरीके से पीस लिए, अब इसको हम जार में निकाल लेते हैं। ये टमाटर और प्याज की चटनी बनके तैयार हो गया है और बहुत चटपटी चटनी बनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।
फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।